नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। फुल एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में टीम 11 के साथ में सीएम योगी ने बैठक की है और थोड़ी ही देर में वो बस्ती के लिए रवाना भी हो जाएंगे। 10:30 बजे टीम 11 के साथ बैठक शुरू हुई थी और बस्ती के लिए कुछ ही देर में रवाना हो जाएंगे। कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे योगी। बस्ती के बाद गोरखपुर भी जाएंगे सीएम योगी। देखिए, बहुत लंबा वक्त गुजरा है पूरे लॉकडाउन के दौरान में सीएम योगी लखनऊ में बैठकर लगातार टीम 11 के साथ में बैठक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और अब गोरखपुर उनका बहुत दिनों बाद आना होगा। इससे पहले तक हर हफ्ते उनके गोरखपुर के दौरे रहे हैं। बस्ती के बाद अब गोरखपुर में भी वो जाएंगे। फुल एक्शन में है सीएम योगी। आज कोविड हॉस्पिटल का दौरा भी करेंगे सीएम योगी। लखनऊ में टीम 11 के साथ में सीएम योगी ने पहले बैठक की है क्योंकि आज फिर से एक बार रोडमैप तैयार हुआ है आगामी दिनों के लिए, क्योंकि 8 तारीख को धार्मिक स्थल खुल रहे हैं और उसके साथ साथ शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं। यानी अब कुल मिलाकर देखा जाए तो जिंदगी थोड़ी सी नॉर्मल नजर आएगी अब तो। देखिए, बस्ती में थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और फिलहाल बस्ती की तैयारियां आप देखिए। और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में टीम 11 की बैठक की तस्वीर। एसके वाजपेयी जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। एसके, टीम 11 की बैठक में आज क्या कुछ खास रहा और दूसरी खास बात यह कि कुछ ही देर में बस्ती के लिए रवाना हो जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे। वो बैठक अब संपन्न हो चुकी है। उसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुख्य बिंदु यही थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अनलॉक वन के दौरान बड़े पैमाने पर जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ी है, कहीं ना कहीं वो चिंता की बात जरूर है। ये मुद्दा आज बैठक में भी था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के अफसरों को निर्देश दिए कि जो संबंधित जिलाधिकारी हैं उनसे संपर्क कर उनको दिशा निर्देश जारी किए जाएं कि जो भी ऐसे जिले हैं जहां से ज्यादा केस निकलकर सामने आ रहे हैं वहां पर प्रॉपर एहतियात बरती जाए। और 8 तारीख से, मतलब कल से, बहुत सारी और चीजें भी खुलनी है तो उसका भी दिशा निर्देश जारी करें, खास तौर पर उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जहां से इस तरीके की ज्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरी चीज ये थी कि जो टेस्टिंग थी, उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाने की बात थी, जिसमें अब तक करीब 8,500 टेस्टिंग करीब उत्तर प्रदेश की हो गई है, उसको 15 तारीख तक 15,000 करना है, तो उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने फीडबैक किया, अफसरों को निर्देश दिया कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। जो प्रवासी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश लौटे हैं, करीब उनकी संख्या 32 लाख से ज्यादा है, ऐसे प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर ही स्किल मैपिंग कराकर उनको कार्य देने के निर्देश थे, तो उसका फीडबैक भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया, जिसमें ये भी चीजें निकलकर सामने आई। कई ऐसे उद्योग हैं जिसमें सिंचाई है, पीडब्ल्यूडी है, साथ ही साथ एमएसएमई के कई विभाग हैं जहां पर अब तक करीब 6 लाख लोगों को समायोजित किया गया है, तो उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और अगर किसी जिले में कामगारों की संख्या कम होती है तो ऐसी स्थिति में जो आस पास के जिले हैं उनमें उनको समायोजित किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग बाकी चीजों का पालन कराया जाए। और जहां तक अन्य जो धार्मिक स्थल और बाकी चीजें खुली हैं उसको लेकर भी निर्देश दिए कि वहां पर जो धर्मगुरु हैं या जो भी पुजारी हैं उनके साथ बैठक कर ये सुनिश्चित करें कि जो भी दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, मास्क और बाकी चीजों की व्यवस्था के साथ ही लोग वहां जाएंगे, जो निर्धारित संख्या उससे ज्यादा नहीं होंगे, अफसर इसको इंश्योर करें। ये बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी टीम 11 के साथ बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए। क्योंकि टीम 11 की बैठक बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को बस्ती निकलना है और बस्ती में जिला अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण करेंगे, तो निश्चित है कि जहां सीएम ने पहले ही कहा था कि जो भी संबंधित मंत्री हैं या अधिकारी हैं वो लगातार कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करें और स्थलीय निरीक्षण कर ये चीज देखें कि वहां पर किस तरीके की सुविधाएं मरीजों को, लोगों को उपलब्ध हो रही या नहीं हो रही है, तो उसका निरीक्षण आज स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। हमसे थोड़ी देर बाद वो बस्ती के लिए रवाना हो जाएंगे जी। अच्छा, बस्ती के बाद गोरखपुर जाने का भी प्रोग्राम है उनका, तो आज वहीं गोरखपुर में रुकने का भी प्रोग्राम है या फिर वापसी है उनकी आज? बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो बस्ती के निरीक्षण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे और संभवतः वो आज रात विश्राम गोरखपुर में ही करेंगे और कल वो सुबह मीटिंग से पहले ही, क्योंकि सुबह फिर वो टीम 11 की मीटिंग में शामिल होंगे, तो इसलिए आज रात विश्राम करने के बाद सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ फिर लखनऊ में होंगे जी। चलिए,